फौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स की तकरीरियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI तायुनात। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मौज़े मजाज इंजीनियर इन चीफ तायुनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कमांडर गोजरावाला। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एडजुटेंट जनरल लगा दिए गए। मरियम और बिलावल की वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद पर इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों से राब्तों का फैसला। एलानिया में कहा गया कि हुकूमती रवैये ने पार्लियामेंट को मफलूज करके रख दिया। बजट ने टैक्सों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ ला दिया। उम्मीद है मरियम नवाज सच्चाई से साथ चलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मरियम नवाज नवाज शरीफ को मायूस नहीं करना चाहेंगी। हमने लंबी सियासी इनिंग्स खेली है। हुकूमत ने हर जगह टैक्स लगाया, अमीरों को रिलीफ दिया। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके बजट को रोकेंगे। सल्तनत शरीफिया की शहजादी और सल्तनत जरदारिया के वलीहद का जमहूरियत से ताल्लुक नहीं। फिरदौस आशिका वार ने कहा दो मरियम होने की वजह से कंफ्यूजन है। राजकुमारी जो डिक्टेट करती है वो करीज मरियम बोल देती है। फिरदौस आशिका वार का मुलाकात फिरदेमल। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अनोखा वाकया। स्पीकर सिंध असेंबली का चैम्बर सब जेल करार। आगा सिराज दुरानी जेल के बजाय स्पीकर चैम्बर में ही कैद रहेंगे। चैम्बर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस के अहलकार को डेरे पर ले जाकर थप्पड़ों की बारिश। मुगलपुरा रोड से रेहड़ी बारों को हटाने पर चार अफराद डेरे पर ले गए थे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना है कि कमरे में बंद करके थप्पड़ मारे गए। मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की गई। तशद्दुद के बाद मिन्नत सबाजत पर जाने की इजाजत मिली। पेरिस एयर शो का आगाज आज से होगा। JF-17 थंडर दुनिया भर में अपनी धाक बिठाने को तैयार। पाकिस्तानी तैयारों की दूसरे रोज भी मशकें। दुनिया भर से कंपनीज पेरिस एयर शो में शिरकत के लिए जदीद तैयार और टेक्नोलॉजी के साथ पहुंच गए। मुतनाज़े बिल वापस लेने पर भी हांगकांग हुकूमत मुश्किलात में गिर गई। हांगकांग की सड़कें हजारों अफराद से भर गई। हुक्मरान कैरी लैम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हजारों मुजाहरीन का कैरी लैम के इस्तीफे का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं नाज़ न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। खैर, आज का मैच तो हार गए लेकिन एक और सियासी पिच तैयार की जा रही है अपोजिशन जमातों की जानिब से, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बंदी को अमली जाबा पहनाना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने सियासी इत्तेहाद कर लिया है। दोनों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए साथ चलने का अहद किया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कयादत ने मफादात के लिए इख्तलाफात भुला दिए। मरियम नवाज की मेजबानी करने वाले बिलावल भुट्टो आज लीगी नायब सदर के मेहमान बन गए। लाहौर के जाती उमरा में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों जमातों ने हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। मरियम नवाज का कहना है मुआशी बहरान नाकाबले बर्दाश्त सूरत हाल इख्तियार कर चुका। दोनों रहनुमाओं ने वन ऑन वन मुलाकात भी की। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो एहतजाज एहसन की रिहाइश का पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत का बजट ना चला तो पीपल्स पार्टी अपना बजट पेश करेगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। अपने मेहनत कश और मजदूरों को तहफ्फुज़ दिलवाने के लिए हम पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हमने उसको इस्तेमाल करे और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। बिलावल और मरियम की मुलाकात का मुश्तरका ऐलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए दीगर अपोजिशन जमातों से भी राबिते किए जाएंगे। और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की इस मुलाकात ने वजीरों के दिलों पर छुरियां चला दी। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं कि फादर्स डे पर दोनों अब्बू बचाने के लिए इकट्ठे हुए, जबकि फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर दिलचस्प तबसरा किया। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने एक ही तीर से तीन शिकार कर लिए। मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब और बिलावल भुट्टो को तुंदो तेज जुमलों से रोन डाला। दो तरफा की जमातों की जो हमारी क्यादत है वो अपने अपने फादर्स डे पे अबू बचाओ मुहिम के लिए इकट्ठे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन आज अपने अबू जान की करप्शन बचाने के लिए रायबंद तशरीफ ले गए। ये जोड़ा जो कौम के हिस्से में आया है उसमें जोड़े में एक राजकुमारी है, एक उनकी कनीज है, और राजकुमारी जो डिक्टेट करती है वो आके बयान कर देती है ये सोचे समझे बगैर कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी मरियम और बिलावल की मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा किया। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गरीबों के लीडर प्राइवेट जेट से उतरे, करोड़ों रुपए के बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर अरबों की सल्तनत में पहुंचे, जहां डिजाइनर फर्नीचर पर तशरीफ रखते ही फ्रांस के पानी से तवाजो की गई और इसके बाद सबने महंगाई और गरीबों के हालात पर गुफ्तगू की।